सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपका यूके भाई भी अच्छा है। दोस्तों आज मैं घर पे ही हूँ क्योंकि कल रात लेट आया था, तो जिसकी वजह से लेट सोया तो सुबह लेट उठा, इसलिए कहीं जा नहीं पाया। और वैसे भी आज एक कहीं का एक निमंत्रण है तो वहाँ भी जाना है। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ मैं आपको, कल रात जो मेरे साथ हुआ। दोस्तों कल रात मैं मरचूला से इधर जब रामनगर की तरफ आ रहा था तो महज 10 से 12 किलोमीटर के दूर पे जाते ही सबसे पहले तो मुझे बाघ दिखा, और बाघ खैर इतना बड़ा नहीं था, मतलब ठीक ठाक ही था। और उस समय मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो वो मैं शूट नहीं कर पाया। मुझे पता था कि आगे भी कुछ ना कुछ होने वाला है, तो उसके बाद मैंने फ्रंट कैमरा अपना ऑन कर लिया था। तो मुश्किल से 5 किलोमीटर में चला नहीं था, मुझे हाथी का फर्स्ट अटैक होने से बचा मैं, क्योंकि मेरे ठीक सामने ही हाथी था। मुझे वहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड थे उन्होंने इंडिकेशन दिया कि आप पीछे हटिए, अपनी गाड़ी को रिवर्स करिए, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, आप बने रहिए इस वीडियो में। और सेकेंड अटैक फिर जब मैं वहाँ से आगे निकला तो मतलब वो तो बहुत ही बड़ा मतलब अटैक था मेरे लिए। पहाड़ जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही रात में बहुत ही भयानक रूप ले लेते हैं जंगली जानवरों की वजह से। आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप कभी भी उन जानवरों को ऐसे परेशान ना करें, बहुत अच्छे हैं यहाँ के जानवर, कुछ भी नहीं करते सिवाय जब तक उन्हें ये नहीं लगता कि उनको आपसे खतरा है। आप बेझिझक रात में घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि गाड़ी से बाहर ना निकलें, गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो बाघ का क्या है, बाघ और जो यहाँ पे जो शेर है उनसे थोड़ा सा डर लगता है, जो तेंदुए वगैरह उनसे थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो कभी कभार आदमखोर हो जाते हैं, तो उनसे थोड़ा सा डर है। बाकी हाथी से डर बस इसी चीज़ का है कि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो गाइस बने रहिए, मैं अब जो आगे आपको वीडियो दिखा रहा हूँ उस वीडियो का पूरा देखिए। गाइस जंगली हाथी मेरे आगे से और बहुत ही खतरनाक, और इधर से मुझे इशारा दिया जा रहा है कि पीछे जाएं, क्योंकि अगर उसने मुझे देख लिया तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि पीछे जाओ वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि गाड़ी को तो वो ऐसे ही पलटा देता है। तो गाइज़ ये थोड़ा सा खतरा रहता है रात में जंगली हाथियों का। और इससे जस्ट पहले ही थोड़ी देर पहले ही निकल जाऊं तो कभी भी अगर इस तरह के जानवर दिखें आपको तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा काम करें, मतलब धैर्य रखें अपने आप में। जाऊं, मुझे अभी फिर से दोबारा पीछे जाने अभी फिर से जाने पीछे जाने के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू दादा, थैंक यू। और मुझे बोला गया है कि जल्दी से आप यहाँ से निकलें क्योंकि खतरा तो बड़ा रहता है, क्योंकि गाड़ी इनके लिए गाड़ी कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती, ऐसे माचिस के खोके की तरह उछाल लेते हैं, बसरते एक चीज़ का और डर है कि आगे कहीं और वो ना मिल जाए, मतलब और हाथी ना मिले। और दूसरी चीज़ अभी ऐसे ही मैं जब बात कर रहा था तो क्या हुआ कि मुझे एक वैसे खैर बाघ तो खैर अक्सर मुझे कई बार दिख गए हैं, डर नहीं लगता, मगर जब जिस दिन होना होगा आमना सामना तो उस दिन होगा ही। खैर बहरहाल अभी मरचूला से ऊपर आते वक्त मुझे एक बाघ दिखा और मैं थोड़ी देर स्टक हो गया था, अपने आप को थोड़ा सा मैंने रिलैक्स करवाया कि कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आप एक बंद गाड़ी के अंदर बैठे हो और वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। और तो जब भी ऐसी कभी सिचुएशन आए ना आपके ऊपर आपके पास तो आप सबसे पहले अपने को ना काम करें, मतलब डरें ना आप, है ना, जिससे कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो चीज़ आप ज़रूर करें। और कोशिश करें कि रात में जंगल में ऐसे ना ही निकलें। अभी मुझे तो थोड़ा सा और वैसे भी यार मेरा तो डेयरी का ये काम ही है, अब जिस दिन होना होगा तो वो उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना, मगर आप कोशिश करना कि रात को जंगल में ना निकलें। तो गाइस
थोड़ा सा सावधानी बरतें। चलिए, अगर ऐसा कहीं पे और होता है तो मैं फिर से आपको वीडियो शूट करके दिखाता हूँ। ये तो इत्तेफाक था कि हो ही गया। और भला है उन जो वहाँ पे अभी गाइड्स थे, रात को वहाँ पे रुके हुए थे वो, क्योंकि वो सो रहे होंगे अंदर, उन्हें ऐसे पता चला, क्योंकि जब वो उधर ताड़वाड़ होगी तो उसको तोड़ा होगा हाथी ने, तो उनको आवाज़ आई होगी, उठ के बाहर आए, फिर उन्होंने देखा कि सामने हाथी है। और अच्छी बात देखो, किस्मत भी इतनी अच्छी मेरी कि उनको पता चल गया। और वैसे खैर अगर वो सामने होता तो मेरे को लाइट से दिख जाता, मगर मेरे को बैक करने में शायद थोड़ा सा टाइम लगता, मुझे बैक घुमाने में टाइम लगता, इतने टाइम में शायद वो अटैक भी कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी कैलकुलेटिव तरीके से करनी पड़ती हैं कि आपको, और इस समय आपको ना थोड़ा सा अपनी ड्राइविंग स्किल दिखानी पड़ती है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको बैक करना होता है और बहुत जल्दी कम जगह पे ही आपको टर्न करना होता है, क्योंकि हाथी रोड पे बहुत तेज़ भागता है, आपको बता दूँ। और जब एक बार भागता है तो वो फिर मतलब गाड़ी को तो फुटबॉल बना देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाएं, तुरंत पैक करें और जल्दी से उसको मोड़ के उस अपने डायरेक्शन को चेंज करें। ये देखिए, माय गॉड, एक और तो है, खतरा बना हुआ है लगातार यहाँ पे। दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ, लगातार खतरा बना हुआ है हाथियों का। देखा आपने, एक और अभी देखा हमने। तो बस गणपति महाराज से एक निवेदन है कि रोड के बीच में ना आए, क्योंकि मेरे को उससे बहुत हार्म पहुँचेगा। ये देखिए गाइस, अब मुझे थोड़ा सा स्पीड तेज करनी पड़ रही है, क्योंकि हो सकता है कि आगे भी और भी मिलें। तो आप को ये मैं रात का वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। मैं अपने आप को भी थोड़ा सा बिल्कुल मतलब काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी काफ़ी हो जाता हूँ, मैं इन चीज़ों से काफ़ी घबराता नहीं हूँ। अमूमन लोग घबरा जाते हैं, मैं नहीं घबराता। बट क्या है कि हाथी के लिए आप कुछ नहीं हो जनाब, आप अगर एक ट्रक में भी बैठे हो ना तो भी आप कुछ नहीं, और ये तो वैसे भी छोटी सी गाड़ी है। तो बेटर यही रहेगा कि आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, और जो नीचे से भी गाड़ी आ रही है उनको बताएं कि थोड़ा सा ध्यान से जाएं, क्योंकि भाई जी ध्यान से जाना, हाथी घूम रहा है रोड में ही, हाथी घूम रहा है, यहाँ पे भी है एक और एक ऊपर भी है, मैंने इसलिए कैमरा भी वो वीडियो भी स्टार्ट कर दी। तो आराम से जाना, ध्यान से, और अगर 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 रास्ते में क्रॉस रास्ते में है ना तो गाड़ी को मेरे आगे। ये देखिए, ये रात में यहाँ पे चल रहे हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ यहाँ कहीं बाघ भी हो सकता है। ये देखिए, और ये 100% श्योर है कि यहाँ कहीं बाघ भी इनके इनकी घात लगाए बैठा होगा, क्योंकि ये देखिए, ये जंगली हिरन। तो गाइस अभी आपने देखा होगा, मैंने एक ऊपर जाती हुई गाड़ी को थोड़ा समझाया उनको, उसमें फॉरनर्स बैठे हुए थे यानी कि अंग्रेज, तो वो थोड़ा मेरी बात को
सुनकर थोड़ा घबरा से भी गए थे। अरे बैक आइए, बैक आइए। दादी ऊपर हाथी घूम रहे, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान से जाना। सो गाइस, अभी आपने देखा होगा कि जब मेरा पहली बार हाथी से सामना हुआ था तब एक हाथी था, और जब दूसरी बार हुआ तो मुझे तब भी ऐसे ही लगा था कि वहाँ पे एक ही हाथी था, क्योंकि मेरी जो नज़र थी वो सिर्फ राइट हैंड पे थी। और अभी मैंने जब वीडियो को अच्छे से चेक किया तो मुझे दिखा कि लेफ्ट साइड पे भी एक बहुत बड़ा हाथी था, जो कि आप देखना वहाँ पे मैंने वीडियो बहुत स्लो किया है, एकदम रोड के जस्ट ऊपर ही राइट पे एक हाथी है और लेफ्ट में एक हाथी है ऊपर, मेरे को उसके बीच में से निकला मैं। तो बहुत ही मतलब डेंजर सीन हो चुका था उस समय। तो गाइज, आप जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में हो प्लीज़ आप अपने आप को पहले कूल रखें, इसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और आपको आते जाते कोई भी अगर लोग दिखें तो उन्हें भी आप आगाह करें, और जिससे कि वो सावधान हो जाएंगे। और बाकी गाइज, ज़्यादा ना कहते हुए अब आपसे आज्ञा लेने का समय आ गया है, और आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिखाई गई हो अभी तक की सारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, और स्पेशली ये कल वाला ब्लॉग जिससे कि आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। और बस यही उम्मीद करता हूँ आपसे कि अभी तक जैसे आपने शिव के भाई को अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिया है, आगे भी आप इसी तरह बनाए रखें। तो गाइस, ज़्यादा ना कहते हुए यहीं पे इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय।